लोकसभा चुनाव के चलते प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया जोर शोर से जारी है, जिसके चलते आज यहां करनाल के लघु सचिवालय में जननायक जनता पार्टी के नीलोखेड़ी से भीम सिंह जिलाला द्वारा अपना नामांकन पत्र दाखिल किया गया। नामांकन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए भीम सिंह जिलाला ने कहा कि दुष्यंत चौटाला व उनकी पार्टी द्वारा जो विश्वास उन पर जताया गया है उस पर वे खरा उतरेंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार द्वारा किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों के खिलाफ जो जाति की गई है उसको जनता के सामने उजागर करेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जननायक जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा। यहां हम आपको बता दें कि जननायक जनता पार्टी द्वारा लगभग अपने सभी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है, जिसके चलते नीलोखेड़ी का नामांकन पत्र करनाल में भरा जाता है। उसी कड़ी में जननायक जनता पार्टी के नीलोखेड़ी के उम्मीदवार भीम सिंह जलाला अपने समर्थकों के साथ करनाल लघु सचिवालय पहुंचे और अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर उनके साथ जननायक जनता पार्टी के नेता मोहन सिंह चौधरी, जसकरण राणा के अलावा बड़ी संख्या में जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। नामांकन में जो ऐसे असर, जैसे हमारी जननायक जनता पार्टी ने, हाईकमान ने, अजय चौटाला जी ने, दुष्यंत चौटाला जी ने, नाना चौटाला जी ने मुझे नीलोखेड़ी हलके में उम्मीदवार उतार के और नीलोखेड़ी हलके की जनता की सेवा करने का मौका दिया है। मैं इनकी, जो इन्होंने मेरे पर विश्वास और यकीन किया है, इस यकीन और भरोसे पर मैं 100% की बजाय नीलोखेड़ी हलके के लिए 101% खरा उतरने का काम करूंगा। और जो भी नीलोखेड़ी की प्राथमिकता के कार्य होंगे, सबसे पहले मैं अपनी कलम से उनको करने के लिए तैयार हूं। और जो अपनी, जो हमारी नीलोखेड़ी के अंदर एक मेन समस्या है, बेटियों के लिए जो एजुकेशन जो संस्थान है वो नहीं है, उनके लिए, बेटियों के लिए गवर्नमेंट कॉलेज बनवाने की मेरी प्राथमिकता रहेगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।